अस्सलाम वालेकुम नादरीन, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। नादरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू डिज़ाइन बटन्स, लेबल, न्यू पेज मेकिंग एंड ग्राफिक्स इन विंटेक एचएमआई। यानी विंटेक एचएमआई के अंदर हम जो डिफरेंट टाइप्स के बटन्स हैं वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, और जो लेबल राइटिंग मेथड है वो क्या है, और अगर हम मोर देन वन पेज जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से डिज़ाइन होगा। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये हमारे पास जो विंटेक एचएमआई का सॉफ्टवेयर है इजी बिल्डर प्रो, ये शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा फर्स्ट पेज है इसकी बेस का अगर हमने कलर चेंज करना है तो वो किस तरह से होगा। तो इस पे जाएंगे हम, जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये एट्रीब्यूट की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए कलर लिखा हुआ आ रहा है। तो कलर के अंदर जाके हम कोई भी कलर अपनी मर्जी से जो है वह सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें, ये हमारी जो बेस है इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं बटन की तरफ कि हमने जो बटन है वो किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो मैं जो है यहाँ से एक सेट बिट की ऑप्शन ले लेता हूँ, सेट बिट लिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट चला गया, ये हमारे पास सिक्योरिटी के बाद शेप आ रही है। तो शेप के अंदर हमारे पास टू स्टेट्स हैं, एक स्टेट है ज़ीरो, दूसरी स्टेट है वन। यानी आप ज़ीरो पे किस तरह की ऑप्शन लेना चाह रहे हैं और वन पे किस तरह की ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। तो जो बटन मेरे पास सिलेक्टेड है ये मैंने ज़ीरो सेलेक्ट किया हुआ है, ज़ीरो पे ये वाली स्टेट है और वन पे ये वाली स्टेट है। यानी जब मेरा बटन ऑफ होगा तो इस कंडीशन में होगा और जब वन होगा तो इस कंडीशन में होगा। तो अपनी मर्जी के मुताबिक इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। पिक्चर लाइब्रेरी में चलते हैं, ये देखें जी यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बटन जो हैं वो शो हो रहे हैं। मैं सपोज ये वाला बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें ये इसकी जीरो स्टेट है और ये वन स्टेट है। यानी जब ये ऑफ होगा तो इस तरह का शो होगा और जब ये वन हो जाएगा तो इस तरह से शो होगा। इस तरह ये हमारे पास ऑप्शन है कि आप और डिफरेंट टाइप्स के बटन जो हैं ये देखें, कोई भी बटन जो आपको पसंद आ रहा है अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप वो बटन जो है वो ले सकते हैं। इस तरह इसके अंदर जहाँ पे हम बटन इंसर्ट कर रहे हैं इसमें फर्दर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास लाइब्रेरीज, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये लाइब्रेरी आ गई। तो लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप्स के बटन्स आ रहे हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये न्यू बटन्स हैं और बहुत ज़्यादा टाइप्स के हैं। ये देखें, मैं कहता हूँ कि मैंने ये जो टाइप है ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है, तो यहाँ से मैं कर दूँगा ऐड टू प्रोजेक्ट। ऐड टू प्रोजेक्ट करने के बाद मैं इसको इधर से क्लोज करूंगा। तो ये देखें, ये सारे बटन जो वहाँ पे मौजूद थे ये हमारी लाइब्रेरी में आ चुके हैं। इनमें से कोई भी बटन आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह ये देखें, ये न्यू लाइब्रेरी ऐड करनी है। न्यू लाइब्रेरी ऐड करने से मुराद ये है कि कोई भी बटन या कोई भी इस तरह की लाइब्रेरी जो आपके पास आपके सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है वो भी आप इधर से ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्टेट्स भी मैंने आपको बता दिए, स्टेट्स किस तरह लेनी है। ये जीरो स्टेट है, ये वन स्टेट है। उसके बाद इसको करेंगे ओके। सपोज मैंने ये वाला बटन ले लिया, उसके बाद हम चलते हैं लेबल में। तो देखते हैं कि लेबल में क्या है। लेबल के अंदर यूज़ लेबल की ऑप्शन आ रही है। तो जो स्टेट्स हैं हमारी, यानी जो ऑन स्टेट है और ऑफ स्टेट है, उसके ऊपर अगर आप उसका नेम राइट करना चाह रहे हैं कि यानी जब ये ऑफ हो तो क्या हो और जब ऑन हो तो क्या हो, तो वो आप राइट कर सकते हैं। इसको हम लेबल कहते हैं। ये देखें, ये मैंने स्टेट ज़ीरो सेलेक्ट कर रखी है। स्टेट ज़ीरो पे मैं कहता हूँ कि जब मेरी स्टेट ज़ीरो हो तो ये ऑफ लिखा हुआ इसके ऊपर आए, और जब मेरी स्टेट जो है वो वन हो जाए, ये मैंने वन सेलेक्ट किया, तो ऑन लिखा हुआ नज़र आए, ये ऑन। तो इसको हम इधर से ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो बटन आ चुका है। यानी ऑफ कंडीशन के अंदर ऑफ लिखा हुआ आएगा और जब हम इसको ऑन कर देंगे तो ये हमारे पास ऑन लिखा हुआ आ जाएगा। इधर से हम इसकी जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं, सेट ऑन करना है, सेट ऑफ करना है या टॉगल करना है। तो सपोज मैं इसको टॉगल कर लेता हूँ और इसको मैं इधर से ओके कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको ऑनलाइन ऑफलाइन जो है सिमुलेट करके चेक कर लेते हैं इसको, कि इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आता है। ये देखें जी, ये ऑफ है, इसको जब मैंने प्रेस किया तो ये हमारे पास ऑन हो गया। यानी जिस तरह मैं आपको स्टेट्स बता रहा था कि ऑफ के अंदर कंडीशन और तरह से होगी और ऑन के अंदर कंडीशन जो है वो और तरह से होगी, तो
तो ये देखें ये दोबारा ऑफ हो चुका है। तो ये था हमारा बटन जो है उसको राइट करने का मेथड। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर बटन की डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये देखें सेट ऑन है, सेट ऑफ है और टॉगल है। तो इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बटन्स की तमाम टाइप्स हैं उसको डिटेल के साथ आपसे शेयर करूँगा। तो इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर हम HMI के ऊपर मोर देन वन पेज राइट करना चाह रहे हैं, यानी हमारा ये पेज जो है ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अलावा हमने एक और पेज राइट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो न्यू पेज जो है वो राइट करना बड़ा ही आसान है। व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर जाके हम करेंगे ओपन विंडो, ओपन विंडो के अंदर जाके न्यू कर देंगे, तो बेस विंडो। तो ऑलरेडी हमने जो विंडो सेलेक्ट किया वो 10 नंबर है और ये 11 नंबर विंडो, यानी न्यू विंडो हमारे पास आ चुकी है और इसको यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। अब विंडो को देखने का मेथड क्या है कि ये विंडो ट्री, व्यू के अंदर जाके विंडो ट्री ऑन कर लें। तो अगर मैं साइड से आपको दिखाऊँ तो 10 नंबर विंडो पे हमने एक बटन इंसर्ट किया होगा और 11 नंबर विंडो जो है 11 नंबर विंडो वो खाली है। यानी इस तरह हम बहुत ज़्यादा पेजेस HMI के अंदर राइट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो टॉपिक्स हैं उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नाज़रीन दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाज़रीन इसके अलावा हमारे पास तमाम PLC सीमंस मित्सुबिशी फैटेक डेल्टा इनके कंप्लीट प्रोग्रामिंग कोर्स और HMI के भी कंप्लीट प्रोग्रामिंग कोर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा VFD सर्वो और स्टेपर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग्स कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।